हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप लोग देख रहे हो सनी का रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाला हूं देवरा मूवी का टाइटल सॉन्ग आया है, तो अभी काफ़ी अच्छा होने वाला है इसका सॉन्ग। तो अभी हम इसे सुन लेता हूँ सॉन्ग को। काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये मूवी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेता हूँ कि ये टाइटल सॉन्ग कैसा है, फिर आप लोग से डिस्कस करता हूँ देखने के बाद। तो चलिए शुरू करता हूँ। 3 2 1 चालू। हेडफोन यूज कर लीजिए आप लोग, मजा आएगा। एंड किया देवड़ा। ओ म्यूजिक भाई, अनिरुद्ध का म्यूजिक है तो बहुत हल्का मचाएगा मचाएगा। ऐसा हो सकता है जो अनिरुद्ध जी का म्यूजिक है और अच्छा नहीं रहेगा। मजेदार म्यूजिक बज रहा है ना, अनिरुद्ध जी का म्यूजिक तो है, तो इसीलिए तो अच्छा लग रहा है सुनने में, वरना उतना खास नहीं लगता सुनने में। जो हम लोग को जो वो टीजर मुझे दिखाया था सीन, वो सब सीन को ही दिखा रहे हैं सॉन्ग में भी, कुछ नया कुछ नहीं दिखा रहे। जिस तरह जेलर मूवी में, लियो मूवी में अनिरुद्ध जी ने अपना तहलका मचाया था, उसी तरह इसमें भी तहलका मचाएगा वो अपने म्यूजिक से। मस्त क्या भाई, ये क्या हो रहा है? साढ़े चार मिनट का वीडियो है ये सॉन्ग, इतना बहुत बड़ा सॉन्ग है। पूरा सीप का पानी का समुद्र का सीन देखने के लिए मिला हम लोग को ये मूवी में। ये वीडियो का जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जहाँ के इस ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हो। ये वाला म्यूजिक क्या था भाई, मजा आया। చక్రవర్తి
回答。Must。ये वाला सीन, वो चांद को जो पूरा कर रहा है, मीन्स रक्त से पूरा एकदम चांद को पूरा करता है, टीजर में जो दिखाया था वाला सीन मस्त लगा था। तो भाई ये था इसका सॉन्ग, अच्छा लगा हमें सॉन्ग भी, म्यूजिक अच्छा लगा क्योंकि सॉन्ग में क्या बोल रहा था क्या पता, तो वो तो कुछ समझ में आया नहीं, मतलब कुछ सॉन्ग का कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अनिरुद्ध जी का म्यूज़िक है तो काफ़ी अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता जो अनिरुद्ध जी का म्यूज़िक और अच्छा ना लगे। लेकिन खैर कि जो जेलर और लियो में जाया था उस टाइप का नहीं है ये, उसके आगे में तो ये म्यूज़िक कुछ भी नहीं है, और जेलर और वो जो जेलर और लियो का उसका बात ही कुछ अलग था, म्यूज़िक का उस टाइप का नहीं है, लेकिन जब मूवी आएगा मूवी का जो BGM होगा उसका बात ही कुछ अलग होगा, उसमें शायद कुछ अच्छा कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, उसमें हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिला, जैसे जेलर और लियो में देखने के लिए मिला था अनिरुद्ध जी का म्यूज़िक, उस तरह से इसमें भी कुछ बहुत तहलका मचाएगा अनिरुद्ध जी म्यूज़िक से अपना, ये मूवी जैसा भी हो लेकिन म्यूज़िक लाजा हुआ, म्यूज़िक के वजह से चार चांद लग जाएगा मूवी में, हमें यही उम्मीद है इस मूवी से और अनिरुद्ध जी से कि उन्होंने जेलर और लियो की तरह म्यूज़िक से ही दिमाग को दिमाग में आदमी का बैठा ले, दिमाग में हर एक ऑडियंस का दिमाग में बैठ जाए मूवी, ऐसा म्यूज़िक हो और म्यूज़िक बैठ जाए जैसा जेलर और लियो का मूवी का म्यूज़िक BGM जो बजा था वो दिमाग में बैठ गया है सबका, उसी तरह इस मूवी में शायद कुछ हो सकता है देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। तो आप लोग कैसा लगा इसका सॉन्ग सुनकर और अनिरुद्ध जी का म्यूज़िक सुनकर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितना एक्साइटेड हो देवड़ा मूवी के लिए, और NTR के अगर आप लोग फ़ैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए आप लोग को भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।